मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। गांव-गांव में इस योजना को केंद्र सरकार की साझेदारी से चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है, जो गांव देहात की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं पर खर्च की जानी है। वंदे, तुम्हें मालूम है आज जनसभा द्वारा सरपंच जी जल जीवन मिशन के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ नन्ही, आज विश्व भर के देश स्वच्छ पेयजल के महत्व को समझते हुए उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारा देश भी पेयजल संकट की समस्या को देखते हुए बड़े स्तर पर प्रभावी प्रयास कर रहा है। हाँ वंदे, अच्छी बात ये है कि इस प्रयास से देश भर की पंचायतें भी अपने अपने स्तर पर सरकार का सहयोग कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पंचायती राज के सहयोग से केंद्र एवं राज्य सरकार की जल संबंधित योजनाओं को जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी पंचायतें भी संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। संचार? वंदे, अभी संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब वही है जो अभी हम दोनों कर रहे हैं। पहेलियां ना बुझाओ वंदे, ये बताओ कि संचार होता क्या है? अरे, संचार पर तो कई प्रकार के शोध हो चुके हैं और इसे तरह तरह से परिभाषित किया जा सकता है। रुको, मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बता देता हूँ। हाँ हाँ वंदे, सब बताएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संचार का आखिर मतलब क्या होता है। संचार पर हजारों शोध हो चुके हैं और इसे तरह तरह से परिभाषित किया जा चुका है, फिर भी आम धारणा ये है कि संचार का मतलब विचारों, भावनाओं, जानकारियों, संदेशों और सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करना है। अन्य संस्था, संगठन या समूह की तरह पंचायतों को भी हर स्तर पर कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। संचार करने के कई लाभ हैं, जैसे पंचायतों को बेहतर दिशा प्रदान करने में संचार सहायक है। संचार से संसाधनों का उचित उपयोग होता है। संचार से स्थानीय परेशानियां दूर होती हैं। संचार पंचायत बजट को बनाने में सहायक है। संचार सामाजिक और आर्थिक समानता लाता है। संचार से पंचायत स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके साथ ही बेहतर संचार से गड़बड़ियों की पहचान, कार्यों का सही रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस पर निगरानी, संसाधनों का उचित उपयोग, पैसों की बचत, भ्रष्टाचार में कमी और पारदर्शिता आती है। अब समझी नन्ही, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए संचार कितना लाभकारी है। हाँ, अब मैं समझ गई। तो क्या
हर बात को कहने के लिए पंचायत प्रतिनिधि जनसभा का आयोजन करते हैं। अरे नहीं नन्ही, हर बात को कहने के लिए जनसभा आयोजित करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता अनुसार पंचायत प्रतिनिधि संचार के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। क्या तुम्हारा मतलब संचार के प्रकार से है? हाँ, मेरे कहने का मतलब संचार के प्रकार से ही है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संचार कई प्रकार से किए जा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें संचार के कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में बताता हूँ। संचार के प्रकार। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संचार कई प्रकार से किए जा सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्हें संचार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। संचार के प्रकार। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, लिखित संचार, जन संचार, मौखिक संचार, भावनात्मक संचार। औपचारिक संचार। औपचारिक संचार मुख्य रूप से आधिकारिक कार्यों के लिए किए जाते हैं। इस संचार प्रणाली में सूचनाएं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती हैं। औपचारिक संचार के लाभ। औपचारिक संचार समय और धन को बचाने में सहायक है। यह संचार लिखित रूप में होता है, इसलिए इसे बाद में झुठलाया नहीं जा सकता। यह संचार आधिकारिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। इस संचार को व्यवस्थित एवं उचित तरीका माना जाता है। व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्यों में यह संचार प्रणाली एक सफल संचार प्रणाली मानी गई है। इस संचार व्यवस्था से गलतियों, कमियों या बाधाओं आदि का पता लगाया जा सकता है। अनौपचारिक संचार। जैसा कि नाम से ही ये बात पता लग जाती है कि अनौपचारिक संदेश बिना किसी औपचारिकता के होता है। इस संचार में किसी सिस्टम का पालन नहीं किया जाता है। अनौपचारिक संचार के लाभ। ये एक मजबूत और प्रभावी संचार माध्यम है। इस तरह के संचार से निजी रिश्ते मजबूत होते हैं। ये किसी संगठन में व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने में सहायक है। इसमें आदेश, आज्ञा या निर्देश किसी तय प्रणाली का पालन नहीं करते। अधिकतर ये मौखिक रूप में होते हैं, इसलिए ये प्रभावी हैं। कई बार आपातकालीन स्थिति में ये संचार अधिक लाभकारी हो जाते हैं। थकान, तनाव, चिंता या डिप्रेशन आदि को दूर करने में ये सहायक हैं। इसमें संचार बहुत तेज गति से होता है। लिखित संचार।
लिखित संचार आमतौर पर आधिकारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किए जाते हैं। इसे भी हम एक तरह से औपचारिक संचार कह सकते हैं। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक संगठन से दूसरे संगठन या एक समूह से दूसरे समूह के मध्य किया जाता है। लिखित संचार के लाभ। लिखित संचार से इस बात का पता लगता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति को क्या संदेश दिया गया है। आमतौर पर लिखित संचार पूरी तरह से सही, संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट होते हैं। इससे समय और धन की बचत होती है। इस संचार को प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। यह कोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड और अन्य सरकारी रिकॉर्ड में मान्य होते हैं। किसी तरह के विवाद या गड़बड़ी को सुलझाने में ये सहायक हैं। मौखिक संचार। मौखिक संचार उस संचार को कहते हैं जिसमें हम किसी तरह का संवाद अपने मुख से करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो बोलने और सुनने की प्रक्रिया ही मौखिक संचार है। मौखिक संचार के लाभ। मौखिक संचार समय व धन दोनों की बचत करता है। इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह संचार का बहुत ही प्रभावी तरीका है। किसी तरह के संकट में यह संचार सबसे अधिक काम आता है। मौखिक संचार लिखित संचार के मुकाबले अधिक लचीला और तेज है। यह सद्भाव, प्रेम और विश्वास बढ़ाने में सहायक है। भावनात्मक संचार। भावनात्मक संचार उस संचार को कहते हैं जो ना मौखिक होते हैं और ना ही लिखित होते हैं। इस तरह का संचार शरीर के हाव भाव के माध्यम से होता है। इस तरह के संचार के उदाहरण चेहरे के भाव, आंखों की भंगिमा, हाथों के इशारे आदि। भावनात्मक संचार के लाभ। इस तरह का संचार भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक है। कई बार संदेशों को गुप्त रूप से कहने में ये सहायक होते हैं। विवादों से बचने में यह संचार सहायक हैं। अच्छा, अब मैं कुछ कुछ समझी। लेकिन वंदे, अभी जल शक्ति के बारे में सभा आयोजित कर जिस तरह से सरपंच जी बता रहे हैं, ये भला संचार का कौन सा रूप है? सभा का आयोजन जन संचार का ही एक रूप है। अब भला ये जन संचार क्या है? जन संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पंचायत प्रतिनिधि कोई भी संदेश एक ही बार में कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वर्तमान युग सूचनाओं का युग है, इसलिए आज के समय में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो जन संचार नहीं करता होगा। तो क्या आज के समय में विकास को बढ़ाने में जन संचार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है? हाँ मेरी प्यारी दोस्त नन्ही, वर्तमान युग सूचनाओं का युग है, इसलिए आज का विकास बहुत हद तक जन संचार पर ही आधारित है। वास्तव में कहा जाए तो आज के समय में विकास को बढ़ाने में जन संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ।
जन संचार। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पंचायत प्रतिनिधि कोई भी संदेश एक ही बार में कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वर्तमान युग सूचनाओं का युग है, इसलिए आज के समय में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो जनसंचार नहीं करता होगा। वास्तव में कहा जाए तो आज के समय में विकास को बढ़ाने में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिनिधियों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जन समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में जनसंचार माध्यम सक्षम है। ये सभी वर्गों, सभी कार्यों और सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक है। वर्तमान समय में जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि। संचार के सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए जरूरी है कि वो कुछ सिद्धांतों का पालन करें, जैसे कि उद्देश्यों का ज्ञान, श्रोताओं तक पहुंच, विश्वसनीयता, सरलता, शब्दों का चयन, समय का ज्ञान, जगह का ज्ञान, परिणाम। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उद्देश्यों का ज्ञान। संचार की सफलता के लिए संचार के उद्देश्यों का ज्ञान जरूरी है। संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों को ही पता होना चाहिए कि उस संदेश का वास्तविक उद्देश्य क्या है। श्रोताओं तक पहुंच। संचार की सफलता के लिए यह जरूरी है कि उसे उसी माध्यम, तकनीक और तरीके से कहा जाए जिससे सुनने वाले को बात समझ आ जाए। संचार करते समय भाषा, शब्दों के चयन और संचार माध्यम का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विश्वसनीयता। कोई भी संचार तभी सफल होता है जब उसमें आवश्यक रूप से लोगों की विश्वसनीयता हो। इसलिए जन संचार करते समय उन्ही मुद्दों, घटनाओं, आंकड़ों और स्थितियों का वर्णन करें जिसके बारे में लोग जानते हो या जिस बारे में लोगों की आस्था हो। किसी भी बात को विश्वास के साथ कहने के लिए जरूरी है कि उसे प्रमाण के साथ कहा जाए। सरलता। संचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जन संचार करते समय साधारण बोलचाल की भाषा का उपयोग करना अधिक फायदेमंद है। संचार करते समय यदि कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शब्दों का चयन। जनसंचार करते समय शब्दों के चयन का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रतिनिधियों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी गलत शब्द के उपयोग से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
संचार में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन इस तरह से होना चाहिए कि उससे किसी की भावनाएं, आस्थाएं या विश्वास को चोट ना पहुंचे। समय का ज्ञान। संचार की सफलता के लिए जरूरी है कि सही बात को सही समय पर कहा जाए। उचित तथा निश्चित समय पर किए जाने वाला संचार ही सार्थक और प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए दिवाली की शुभकामनाएं दिवाली के मौके पर ही दी जानी चाहिए। दिवाली के बाद शुभकामना संदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जगह का ज्ञान। एक अच्छा वक्ता जानता है कि उसे कौन सी बात किस जगह करनी चाहिए। किसानों की सभा में किसानों की बात होनी चाहिए, व्यापारियों की सभा में व्यापारियों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि जगह और स्थितियों के अनुसार मुद्दों का चयन होना चाहिए। परिणाम। संचार को तब ही सफल कहा जा सकता है जब उसके कुछ परिणाम निकलें। एक अच्छा संचार वही है जिसमें बदलाव को लाने की शक्ति हो। तो क्या पंचायत की बैठक भी संचार का ही एक उदाहरण है? हाँ, पंचायत बैठक संचार का ही एक मजबूत उदाहरण है। बैठक कैसे करना चाहिए, बैठक का सही तरीका क्या है, बैठक से क्या क्या लाभ हो सकता है, इन सभी बातों का ज्ञान हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को होना चाहिए। हाँ, तो बताओ ना वंदे, बैठक के बारे में भी विस्तार से बताओ। हाँ हाँ, रुको, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भारत में पंचायतों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पंचायतें बैठक का आयोजन करती हैं। गौर से देखा जाए तो बैठक से पंचायतों को कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे जनसंचार, दिशा निर्देश, कार्य पर चर्चा, समीक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान, निर्णय लेना, नए विचार प्राप्त करना, विवादों का समाधान आदि। हालांकि पंचायत की बैठक प्रभावी व निर्णायक हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जैसे बैठक की सूचना डुगडुगी, ढोल, ड्रम या लाउडस्पीकर से लोगों को पहले ही देनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपने कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपका कर या अन्य माध्यमों से भी आम जनता को बैठक के बारे में बता सकती है। ध्यान रहे कि बैठक की सूचना देने का काम कम से कम 5 दिन पहले से शुरू हो जाना चाहिए। इसकी सूचना ग्राम के प्रमुख स्थानों पर चिपकाना चाहिए। बैठक को सभी लोग गंभीरता से लें, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यक्षता पंचायत का प्रधान ही करे। अगर सरपंच किसी कारणवश गांव से बाहर गए हों या किसी कारणवश पंचायत की सभा में नहीं आए हों, तो उप सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष समय में प्रधान व उप प्रधान दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। ऐसे में दोनों की गैर हाजिरी में कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये पहले से ही तय हो जाना चाहिए।
एक प्रभावी बैठक के लिए जरूरी है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ भाग लें। इसलिए बैठक में कम से कम एक तिहाई सदस्यों को हिस्सा लेना चाहिए। बैठक को फलदायी बनाने के लिए आवश्यक है कि संचालनकर्ता सामान्य शिष्टाचार का पालन करें। जैसे बैठक के प्रारंभ में ही सभी सदस्यों का स्वागत करें। बैठक का जो भी एजेंडा है उसको सभी सदस्यों के सामने रखें। अपनी बात रखते समय सभी उपस्थित लोगों की तरफ देखकर ही बात करें। चर्चा में सभी लोगों को बोलने का मौका दें। बैठक के दौरान अपने विचारों को ठीक प्रकार से सरल एवं स्पष्ट शब्दों में रखें। चर्चा का पूरा खाका तैयार करें। उठाए गए मुद्दों पर सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाएं। चर्चा के दौरान किसी को बीच में नहीं टोकें। बैठक में क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। इसके साथ ही बैठक में विषय से संबंधित आवश्यक कागज, फाइल, दस्तावेज और साक्ष्य आदि का रखा जाना भी आवश्यक है। प्रधान द्वारा आदेश दिए जाने पर बैठक की अधिसूचना, अनुपस्थिति, क्षमा याचना तथा पिछली बैठक के कार्यों की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। बैठक के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे वंचित एवं दलित वर्ग को बैठक में बोलने व भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना, पंचायत में जो भी धन है उसका सदुपयोग करना और हर हिसाब का लेखा जोखा संभाल कर रखना, सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, शराब और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना, अपने क्षेत्र के जल, जंगल, जमीन के संरक्षण व संवर्धन के लिए योजना बनाना व ग्राम वासियों के साथ मिलकर इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का प्रयास करना, गांव के विकास के लिए बैठक करना, बैठक का एजेंडा। एजेंडा और टिप्पणियों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सचिव की है। सरपंच के परामर्श से सचिव ही बैठक का एजेंडा तय करेगा। बैठक में उठाए जाने वाले प्रत्येक विषयों का रिकॉर्ड सही तरीके से होना चाहिए। एजेंडा तय करने के लिए केवल उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दें जो समाज और विकास कार्यों से जुड़े हुए हों। बैठक में उठाए गए मुद्दों, योजनाओं और तय किए गए कार्यों की सूची का रिकॉर्ड भी बनाएं। तुम्हें मालूम है नन्नी, देश के अन्य गांवों की तरह ही जम्मू कश्मीर के गांव भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से खुशहाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के सहारे सरकार लोगों से संचार कर रही है। इतना ही नहीं, वो ग्राम पंचायतों की योजनाओं, परियोजनाओं, खर्चों के बारे में भी पूरी जानकारी लोगों को दे रही है। जन जन को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग सरकार किस तरह से कर रही है बंदे, मुझे इसके बारे में बताओ। हाँ हाँ, ध्यान से सुनो। जन जन को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना एक प्रभावी तरीका है, लेकिन फिर भी इसको उपयोग करते समय या सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते समय प्रतिनिधियों को सतर्क रहना चाहिए।
सोशल मीडिया पर गलत भाषा का प्रयोग करना या अशोभनीय कमेंट करना या अफवाहें फैलाना भारी पड़ सकता है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो भ्रामक बातों और अफवाहों से दूर रहें और उसको बढ़ावा ना दें। सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते समय इन बातों का रखें ख्याल। किसी भी फोटो या मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। किसी भी तरह के दावों, जानकारियों या वीडियो को शेयर करते समय विवेक से काम लें। एक बार अपने स्तर पर जानकारियों की जांच कर लें। किसी भी खबर, जानकारी, वीडियो या आर्टिकल को आगे तब तक फॉरवर्ड ना करें जब तक उसकी सत्यता का प्रमाण ना मिले। किसी के नाम से फैल रहे मैसेज को आगे भेजने से पहले सावधान रहें। किसी भी विभाग के नाम से कोई ट्वीट आ रहा हो तो ये चेक करें कि अकाउंट वेरिफाइड है या नहीं। वेरिफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट को ही सत्य माने। ध्यान रहे कि सबसे अधिक झूठ राजनीतिक फायदों के लिए ही सोशल मीडिया पर बोले जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल ट्रैप में ना फंसें। आसान भाषा में संचार प्रक्रिया को बाधित करने वाली चीज बाधक कहलाती है। मुख्य तौर पर ये 5 प्रकार के होते हैं। संचार में 5 प्रकार के बाधक। प्राकृतिक बाधक, साइकोलॉजिकल बाधक, वाक्य रचनात्मक बाधक, तकनीकी बाधक, सांस्कृतिक बाधक। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। प्राकृतिक बाधक। हमारे आसपास का वातावरण कई तरह की आवाजों से भरा होता है। कभी कभी इन आवाजों का स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि संचार प्रक्रिया में रुकावटें आ जाती हैं। प्राकृतिक बाधक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, आसपास का शोर आदि। अपनी बात को कहते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपके आसपास का शोर संचार की प्रक्रिया में अड़चने ना पैदा करे। साइकोलॉजिकल बाधक। संचार में इस तरह की बाधा तब आती है जब कहने या सुनने वाला अथवा लिखने या पढ़ने वाले की मानसिक दशा स्थिर नहीं होती या उसका ध्यान कहीं और होता है। उदाहरण के तौर पर हरिया किसान फसल के बर्बाद होने के कारण पंचायत बैठक की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। यहाँ हरिया किसान की मानसिक दशा संचार की प्रक्रिया को बाधित कर रही है। वाक्य रचनात्मक बाधक। कई बार वाक्यों को लिखते या पढ़ते समय उसके अर्थ को समझने में गलती हो जाती है। इन गलतियों के कारण ही संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर भूरी ने आशा को बताया कि वो बाजार से कनक लेकर आई है। आशा ने समझा कि भूरी बाजार से सोना लेकर आई है, जबकि कनक का मतलब गेहूं से था। तकनीकी बाधक। इस तरह के बाधक तकनीकी होते हैं। इनके कारण कई बार संदेश गलत प्राप्त होते हैं, अधूरे प्राप्त होते हैं या प्राप्त ही नहीं होते। उदाहरण के तौर पर अतुल ने उपेंद्र को बताया कि उसके घर मेहमान आए हैं, वो आज ऑफिस नहीं आएगा। उपेंद्र अतुल की बात नहीं सुन पाया क्योंकि फोन पर आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी। सांस्कृतिक बाधक।
इस तरह के बाधक सांस्कृतिक कारणों के कारण आते हैं। जब कहने और सुनने वाला दोनों ही अलग अलग परिवेश से आते हैं तो विभिन्न तरह से सांस्कृतिक कारणों से संचार में अड़चने आती हैं। वाह, संचार से कितने सारे काम सरल हो जाते हैं ना वंदे। हाँ, संचार से बहुत सारे काम सरल हो जाते हैं, तुम्हें मालूम है। अरे नन्ही, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाची, आप लोग रेडियो पर क्या सुन रहे हैं? हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। पता है, बहुत ही जल्द हमारे गांव में भी रेडियो आने वाला है। हाँ हाँ चाची, हमें मालूम है, हमारे गांव में बहुत जल्द ही सामुदायिक रेडियो आने वाला है। सामुदायिक रेडियो क्या होता है वंदे, और भला किस प्रकार इसे गांव का अपना रेडियो कहा जा सकता है? सामुदायिक रेडियो का योगदान गांवों के विकास में उल्लेखनीय है। चलो मिठाई की दुकान पर, मैं रास्ते में ही तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हाँ चलो, लेकिन इस बार मिठाई खिलाने की बारी तुम्हारी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे गांव में सामुदायिक रेडियो आने वाला है। पता है, ग्रामीण भारत के विकास में रेडियो का उल्लेखनीय योगदान है। आज भी गांव में रहने वाले अधिकांश भारतवासियों के लिए रेडियो समाचार तथा मनोरंजन का इकलौता माध्यम है। विश्व की 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है। बात अगर सामुदायिक रेडियो की करें तो ये दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों तक संचार पहुंचाने का सबसे आसान साधन है। आज गांव-गांव में ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन ग्रामीणों के विकास की आवाज बन रहे हैं। शहरों के मुकाबले गांवों में साक्षरता दर आम तौर पर कम होता है। ऐसे में सरकारी योजनाओं और स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यों की जानकारी सामुदायिक रेडियो से देना एक अच्छा तरीका है। रेडियो की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए या राष्ट्र को संबोधित करने के लिए रेडियो का सहारा लेते हैं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं, और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो महीने में दो बार या तो महीने में एक बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। सामुदायिक रेडियो द्वारा पंचायतें आज कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, संस्कृति, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या नियंत्रण, नागरिक अधिकार, भूख और खाद्य असुरक्षा जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर रही है। इन सभी कामों में स्थानीय स्तर के दल समय समय पर पंचायतों का सहयोग करते हैं। गांव के छोटे छोटे मुद्दे जैसे गाय भैंस खो जाना, सर्टिफिकेट खो जाना, बच्चा खो जाना आदि की सूचनाएं जनता तक रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित की जाती हैं। मनोरंजन के द्वारा भी सुनाते हैं, उससे हम लोग बोर भी नहीं होते हैं और हम लोग प्रोग्राम भी अच्छा लगता और जानकारियां भी हम लोगों को मिलती। तो वहाँ लड़कियां पढ़ने नहीं जाया करती थी, लेकिन हमने नेरो कास्टिंग के द्वारा, श्रोता समूह की बैठक के द्वारा उन लोगों को कहा कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने भेजिए, तो लोगों ने समझा। नेरो कास्टिंग के द्वारा लड़कियों को बाकायदा पढ़ाने भेजने लगे हैं। कम्युनिटी रेडियो पिछले 2 वर्षों से जो है अपना पूरा सफ़र करते हुए आज लॉन्च जो कर चुका है, लॉन्च की तरफ आज हमारा बढ़ चुका है, और इसी के साथ में हम जो इस सफ़र को पूरा करते हुए हमें कई सारे सबक मिले हुए हैं
और इन सबकों के साथ में आगे भी जो हमें लगातार उसको ब्रॉडकास्ट करते रहना है, इसके लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी पूरी सारी टीम अपने पूरे जोश के साथ तैयार। सामुदायिक रेडियो की कई विशेषताएं हैं, जैसे सामुदायिक रेडियो संचार का सबसे सस्ता माध्यम है, सामुदायिक रेडियो संचार का प्रभावी माध्यम है, इसकी सहायता से जन संचार किया जा सकता है, ये भौगोलिक बाधाओं को दूर करने में सहायक है, अक्षर ज्ञान के बिना ही रेडियो को सुना जा सकता है, इसकी सहायता से स्थानीय मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है, सामुदायिक रेडियो की सहायता से आज न सिर्फ विकास कार्यों को करने में सहायता मिल रही है बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। कल तक जो कलाकार गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए थे, आज वो सामुदायिक रेडियो की सहायता से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। आज उन्हें लोग सुन रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्थानीय प्रतिनिधियों की सहायता से युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो पर चलने वाले युवा केंद्रित कार्यक्रम आज युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। सिख ईसाई सब यही रहते हैं, भारत माता के वीर सिपाही सब यही कहते हैं, सोने की चिड़िया हम भारत को बना देंगे, सोने की चिड़िया हम भारत को बना देंगे, जन्नत जैसा प्यारा ये मुल्क सजा देंगे, जन्नत जैसा प्यारा ये मुल्क सजा देंगे। चलो मिठाई की दुकान आ गई। चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे बेटा, यहाँ पर तो सब चकाचक है। सरपंच जी के तो एक पत्र ने कमाल कर दिया। वो कैसे चाचा जी? अरे पहले गांव में पक्की सड़कें नहीं थी, सरपंच जी के सहयोग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमारे गांव में भी पक्की सड़कें बनाई गई। अब तो दुकान का सारा सामान फटाफट शहर से आ जाता है। सरपंच जी ने ऐसा क्या किया चाचा जी? सरपंच जी ने ही पत्र लिखकर गांव के खराब सड़क की मरम्मत करवाने की दरख्वास्त की थी। क्या पत्र का प्रभाव इतना अधिक होता है? हाँ नन्ही, पत्र संचार का बहुत ही प्रभावी माध्यम है। पत्र लेखन साहित्य का एक ऐसा खूबसूरत रूप है जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। हाँ, पंचायत प्रतिनिधियों को कई मौकों पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने पड़ते हैं। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। पत्र लेखन साहित्य का एक ऐसा खूबसूरत रूप है जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को कई मौकों पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने पड़ते हैं। प्रशासन से संबंधित सूचना एवं निर्णय अभी भी पत्रकारों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र लेखन का मूल ज्ञान होना चाहिए। पत्र लेखन के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पत्र लेखन में शुद्धता का होना आवश्यक है, प्रशासनिक पत्रों में इसका महत्व अधिक है, पत्र की भाषा शालीन और स्पष्ट होना चाहिए, हैंडराइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए, पत्र को लिखते समय सामान्य शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, ध्यान रहे कि पत्र घुमा फिरा कर ना लिखा जाए और उसकी भाषा सरल हो।
पत्र के अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी बात को संक्षिप्त रूप से सटीकता के साथ कहें। पत्र में विषय को संपूर्ण रूप से लिखें। पत्रों में भाव का होना जरूरी है। तुम्हें पता है पत्र लिखन का ही एडवांस और मॉडर्न स्वरूप है ईमेल राइटिंग। हाँ, ईमेल के माध्यम से हम पलक झपकते ही अपने संदेश को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ वंदे। मुझे बताओ कि पंचायत प्रतिनिधियों को ईमेल लिखना क्यों सीखना चाहिए? पंचायत प्रतिनिधि कई तरह के कार्य करते हैं। इन कार्यों के लिए उन्हें अक्सर अलग अलग विभागों, संगठनों, कार्यालयों एवं संस्थाओं आदि को ईमेल भेजना पड़ता है। हालांकि ईमेल भेजना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, फिर भी एक प्रतिनिधि होने के कारण ये जिम्मेदारी भरा काम है। पंचायत प्रतिनिधियों को ईमेल लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। पंचायत प्रतिनिधि कई तरह के कार्य करते हैं। इन कार्यों के लिए उन्हें अक्सर अलग अलग विभागों, संगठनों, कार्यालयों एवं संस्थाओं आदि को ईमेल भेजना पड़ता है। हालांकि ईमेल भेजना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, फिर भी एक प्रतिनिधि होने के कारण ये जिम्मेदारी भरा काम है। पंचायत प्रतिनिधियों को ईमेल लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन किसी भी मेल का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा होती है। इसलिए किसी को भी मेल लिखते समय ये बात का ख्याल रखें कि आपकी सब्जेक्ट लाइन प्रभावी हो। सब्जेक्ट लाइन पढ़कर ही मेल भेजने का कारण समझ आ जाना चाहिए। समय का ख्याल। पंचायत प्रतिनिधियों को समय समय पर अपना मेल चेक करना रहना चाहिए। मेल को प्राप्त करने में देरी या मेल को भेजने में अगर देरी हो गई तो इसलिए कई जन कल्याण कार्य अधूरे या गड़बड़ हो सकते हैं। सही लेखन। आपके मेल में मात्राओं की गलत स्पेलिंग है तो ये आपके प्रभाव और छवि को खराब कर सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप जो भी लिखें वो सही और सटीक हो। क्रॉस चेक। कोई भी मेल भेजने से पहले उसे एक बार स्वयं देख लें। हो सकता है कि आपसे कुछ बातें छूट गई हों। अपनी बात को सही तरह से लिखने के बाद ही मेल भेजें। साफ सीधी बात करें। मेल की भाषा सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। बातों को घुमाकर कहने से संचार में दिक्कत आ सकती है। संचार से कितना कुछ बदल सकता है ना वंदे? हाँ, संचार से बहुत कुछ बदल सकता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन एक प्रभावी संचारकर्ता होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करें। गुण? किस तरह के गुण वंदे? एक अच्छे पंचायत प्रतिनिधि के अंदर आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास से भरा आदमी न सिर्फ स्वयं सफल होता है बल्कि दूसरों को भी सफल बनने के लिए प्रेरित करता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक पंचायत प्रतिनिधि के अंदर किस तरह के गुण होने चाहिए। एक अच्छे पंचायत प्रतिनिधि के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से भरा आदमी न सिर्फ स्वयं सफल होता है बल्कि दूसरों को भी सफल बनाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन संवाद करने के लिए जरूरी है कि आप मुद्दों को समझें। बातचीत के माध्यम से मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कमियों की जगह सकारात्मक विषयों पर ध्यान दें। बातचीत करें, बहस नहीं। अपनी बात को इस तरह से रखें जिससे सामने वाले के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। दूसरों के विचारों को भी सुनें। आलोचना से ना घबराएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि कुशल नेतृत्व के लिए हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास विकसित करना होगा।
21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक ही पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। किसी भी समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छे पंचायत प्रतिनिधि को चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले और सभी के साथ एक समान व्यवहार करे। पंचायत प्रतिनिधियों की आलोचना भी होती है, इसलिए उन्हें हालात का सामना भावुकता से नहीं बल्कि संयम से करना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा पंचायत प्रतिनिधि सदैव समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। एक अच्छे पंचायत प्रतिनिधि को क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और विजनरी होना चाहिए। वाह, इन गुणों के साथ तो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हर तरह के जन कल्याण के काम कर सकते हैं। गांव-गांव में विकास की नदी बहेगी, है ना वंदे? हाँ नन्ही, इन गुणों के साथ हमारे पंचायत प्रतिनिधि क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और विजनरी हो जाएंगे। कुशल बने पंचायत अपना, यही है हम सबका सपना। पंचायतों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।